से कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखो कितनी स्नो पड़ी है, और ये भी हुआ है कि तुम देख सकते हो यार स्नो जमने लग गई है रोड पर और कंटिन्यूसली स्नोफॉल हो रहा है। इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे भी बर्फ जम गई है, देख रहे हो आप। गाइस ये है रोहतांग पास, बहुत मजेदार 0 पॉइंट और स्नोफॉल हो गया बहुत तगड़ी। अगर चारों तरफ देखोगे ना तो सिर्फ स्नो ही स्नो है। माय गॉड, तो दोस्तों वेलकम बैक। ये वीडियो उसी का एडिशन है, लास्ट वीडियो का एडिशन है। लास्ट वीडियो बहुत ही लंबा हो गया था इसलिए हमने इससे कंटिन्यू करा है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं सोलांग वैली एंड अटल टनल। लेकिन दोस्तों मैं बताऊँ आपको, तो भाई स्नोफॉल होने लगा है बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकता। आप देखो देखो हर जगह बस स्नो ही स्नो है। अगर देखो और जाम लग गया है बहुत, गाड़ियाँ स्किड कर रही है इस टाइम। तो यार ये बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा हमारा, तो अब चलते हैं अटल टनल की ओर एंड फिर दिखाते हैं आपको। दोस्तों विंडशील्ड से कुछ भी नहीं दिख रहा है, देखो कितनी स्नो पड़ी है, और ये भी हुआ एकदम से, मतलब इतना तगड़ा स्नोफॉल एकदम से, हर जगह बर्फ ही बर्फ भाई। यहाँ देखोगे बर्फ, वहाँ देखोगे भाई बर्फ, एंड भाई कुछ दिख भी नहीं रहा है। हैट्स ऑफ टू भैया, कैसे ड्राइव कर रहे हैं भाई, मानना पड़ेगा। तो एक बार ये देखो यार क्या हालत हो रखी है भाई रास्ते की, बहुत ही बुरी वाली भाई, हर जगह स्नो। आगे देख सकते हो यार स्नो जमने लग गई है रोड पर और कंटिन्यूसली स्नोफॉल हो रहा है। इवन जो गाड़ी के टायर हैं वो स्लिप कर रहे हैं थोड़े थोड़े, और हर जगह पूरी जगह स्नो ही स्नो है भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा यार, कुछ भी नहीं। भाई स्नो क्रॉस करके हम आ गए फाइनली अपने अटल टनल के आगे, और यहाँ से व्यू देखो जरा यार, मतलब यूट्यूब्स की वीडियोस में ही देखते थे बस खाली अटल टनल। और देखो भाई कितनी है, ये 9 किलोमीटर लंबी है। वेदर बहुत ही ठंडा हो गया मनाली में भाई, बहुत मज़ा आ रहा है, क्या ही बताऊँ। भाई बाहर बहुत ठंड है यार, अब चलते हैं अटल टनल के अंदर, बहुत ठंड है भाई। और थोड़ी देर के लिए बाहर गए, हाथ पूरे ठंड से ठंड, चलो अंदर चलते हैं। आई प्राउड ऑफ इंडिया, अटल टनल। इतनी सुंदर बनाई है, बताओ यार पहाड़ के नीचे है भाई, इतनी सुंदर। टनल की बात करूं तो आपको दोनों तरफ दिख जाता है कि भाई कितने किलोमीटर लेफ्ट है राइट, स्पीड लिमिट भी आपको दिख जाती है। और ये टनल बनने में 10 साल लगे, 2010 में काम शुरू हुआ था और 2020 में इसकी ओपनिंग हुई थी। एक ये टनल 9 किलोमीटर लंबी है, रोहतांग पास को बाईपास करती है, वरना पूरा घूम के जाना पड़ता था। इट्स वॉज वेरी डेंजरस फॉर बाइकर्स स्पेशली, बहुत सारे इंसिडेंट भी होते थे। इस टनल का निर्माण हुआ एंड फ्रॉम दैट भाई बहुत सुंदर है, मतलब यार पहाड़ को खोद कर इतनी लंबी 9 किलोमीटर की टनल बना दी, वाह भाई प्राउड ऑफ इंडिया। सो गाइस दिस इज सोलांग वैली। पहले तो यहाँ से व्यू देखो कैसा व्यू लग रहा है, सामने बिल्कुल बर्फ के पहाड़ है, और यहाँ पर जब बर्फ गिरती है तो यहाँ पे स्की कंपटीशन वगैरह होता है। ये एक एक्टिविटी पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है यहाँ का व्यू, मतलब यार बहुत ही प्यारा व्यू है। एंड ठंड काफ़ी हो गई है एंड हम स्नोफॉल में भी भीग गए थे थोड़ा बहुत, तो भाई हालत थोड़ी सी डाउन हो रही है, आप आवाज़ से भी फील कर सकते हो। तो यहाँ से आप निकलते हैं सीधा अपने होटल के लिए, क्योंकि यार हालत थोड़ी डाउन हो रही है एंड कल हमारे को घर के लिए भी निकलना है अपने।
फिर चलते हैं। One eternity later. तो दोस्तों फाइनली आ गया होटल बैक एंड यार बहुत ही टायरिंग दिन था प्लस बहुत ही अमेजिंग दिन भी था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करी हमने एंड यस वेदर बिल्कुल चेंज हुआ तो थोड़ी हालत भी डाउन हो गई लेकिन मज़ा बहुत आया क्योंकि यार इट वॉज काइंड ऑफ ड्रीम कि भाई बर्फ़ देखनी है स्नोफॉल तो सब कुछ हुआ यार मतलब मज़ा ही आ गया देख के एंड थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए हम मिलेंगे किसी और वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय एंड सी यू। I'm not a man.